वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे, बाखैरियत होंगे, और हम आप लोगों को एक नए वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो सिचुएशन कुछ यूँ है कि आज मेरी तबीयत कुछ ऑफ सी थी, पेन था, बॉडी पेन था, तो वर्किंग के लिए बहुत लेट बैठ गया, और दिन अब शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो सीन कुछ यूँ है कि आज पेशावर के लिए भी वापसी होगी, दो तीन दिन वहाँ पर गुजारेंगे क्योंकि वहाँ का भी काम देखना है, फिर इंशाल्लाह वापस यहाँ पर आएंगे। तो शाहजेब गया हुआ है बाहर किसी काम से, तो इंशाल्लाह जब वो आएगा तो तकरीबन 6-7 बजे के करीब इंशाल्लाह हम फिर निकलेंगे वापसी पेशावर के लिए। इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शाहजेब तो आ गया था, अब हम दोनों वापस जा रहे हैं पेशावर। और अच्छा, एक दूसरी चीज़ थी, कल वैसे मैंने फील किया, दो दफ़ा मैंने एक वर्ड बड़ा गलत यूज़ किया वीडियो में, जो कि बिल्कुल मेरी ना इंटेंशन थी ना शाहजेब की, फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। दो दफ़ा हमने गरीब का वर्ड यूज़ किया, क्या गरीबों वाला बर्गर या गरीबों वाला पार्क, मैंने यूज़ किया ना। अच्छा, मैंने यूज़ किया। अच्छा, था अच्छा। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, अमीर गरीब ये तो अल्लाह की तकसीम है, हमारे कोई ऐसा मकसद था ही नहीं। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो भी वर्ड यूज़ किया हुआ है वो गैर नामुनासिब था, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह बस ये देखे, शाहजेब को तभी से भूख लगी हुई है, कल रात को फिर जब हम आ गए थे वो पराठा रोल और अंडे वाले बर्गर खाने के बाद, तो हमें फिर रात को भूख लग गई थी, तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, फिर हम रात को खा नहीं पाए थे। तो अब बस हमने कहा कि चलो वापस जाते हुए ये भी खा लेते हैं, क्या फिर कुछ और लेंगे। तो चलिए जी, अब हम जा रहे हैं, रास्ते में आपको भी दिखाएंगे साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैरियत हम पेशावर आ पहुँच चुके हैं शाहजेब जी। रास्ते में तो मेरी तबीयत भी ठीक थी नहीं, इसलिए वीडियो ज़्यादा बना नहीं सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम पेशावर बख़ैरियत आ पहुँच चुके हैं। और ये है हमारी पेशावर की मोटरवे इंट्रेंस। हाँ शाहजेब, सुना ना, आर यू एक्साइटेड? खैर तू क्या एक्साइटेड होगा, तुम्हारा तो एक पैर पेशावर में और एक पैर पिंडी में, तू तो बस, तूने तो खैर क्या कहूँ यार। थैंक यू, तो यार बस वैसे यार शाहजेब ये चीज़ अच्छी है, पेशावर में भी ये लगाया करो, सही है, गाड़ी में वैसी नहीं आई है। अच्छा, क्या कहते हो तुम इसके बारे में, सीट बेल्ट की बात? हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर लगाते क्यों नहीं हो? ये क्या? अभी लगाया ना, मैं कह रहा हूँ कि पेशावर में भी लगाया करो। एक्चुअली अगर सिटी में चलाते हो तो सही है, अगर मेन जीटी रोड पे या इस तरह हाईवे पे चलाते हो ना, हाँ, फिर ये बहुत लाजमी चीज़ है, एहतियात के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यार। सिटी में चलो खुदा ना खास्ता अगर हल्की पुल्की गाड़ी लगती भी है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 50 की स्पीड पे होगी, 40 की स्पीड पे होगी, लेकिन जब हाईवे पे होते हो ना तो 120-140 ये तो नॉर्मल एक रूटीन मतलब स्पीड है। खुदा ना खास्ता इधर कितना गाड़ी लगती है या टायर पंचर होता है, मतलब 100 मसले हो सकते हैं, तो उसके लिए सीट बेल्ट अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यूज़ करना चाहिए इसका, चाहे कि वो सिटी में हो कि बाहर हो, यूज़ करना चाहिए। जिस तरह मैंने भी लगा लिया है, एक वक्त में मुझे डर आने लगा क्योंकि तो जिस तरह भगा रहा था, मैंने कहा लगा लूँ और तो जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से, दुख और दर्द अल्लाह की तरफ से आना, वो ऐसा ना हो फिर कल को आखिरत में अल्लाह कहेगा कि किस चीज़ का भाई गिला कर रहे हो जो तुम्हारे लिए गाड़ी में सीट बेल्ट है, ये किस लिए था। चले जी, बस हम इंशाल्लाह पेशावर आप पहुंच चुके हैं, दी सिटी ऑफ फ्लावर्स। लेकिन खैर आजकल तो फ्लावर वो दिखते ही नहीं है यार, जो नाम दिया गया था पेशावर के लोग फ्लावर्स हैं, मुझे देख लो, खुद को देख लो। अच्छा, मैं तो फ्लावर नहीं हूँ यार, बस हो ना पुष्प समझा है क्या, पुष्प अपन फ्लावर नहीं है, पायर है, पायर चले जी।
जुदाई का वक्त आ पहुंच चुका है फिर कितने दिनों की जुदाई है यार? दो तीन दिन तो शायद कल ना परसों फिर मुलाकात हो जाए लेकिन मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है जाने का बता रहा हूँ इस्लामाबाद जाने का नहीं नहीं वैसे पिशावर में सैटरडे की मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है क्योंकि तुम्हारी जो वो है ना पर्सनैलिटी है उस पे मुझे थोड़ा शक होता है नहीं 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 ना ना छोड़ आगे तू बस साइड पर रखना ये ना 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 तू नहीं जानता उनको हम जानते हैं ऐसे लोगों को तो चलो वो प्लाजा जहाँ पर हमने ज़िंदगी के अपने कीमती वक्त गुजारा जेबी टावर जी तो हम तो बस अपने घर आ पहुँच चुके हैं लेकिन अभी तक घर वालों को बताया तक नहीं है कि मैं आ रहा हूँ आज तो देखते हैं जाके उनको सरप्राइज़ देते हैं और चले जी आज के वीडियो का काम हम यहीं पर करते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।